हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको डेंगू के लक्षण एवं बचाव के उपाय बताने जा रहे हैं। डेंगू किन लक्षणों के कारण होता है, इसके होने पे क्या क्या उपाय करने चाहिए, इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए, क्या हो जिससे पता लगे कि आपको डेंगू हो गया, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचेगी। अब देखिए वीडियो पूरा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको डेंगू के लक्षण और बचाव के उपाय बताने जा रहे हैं। पहले हम बात करें कि डेंगू किस कारण होता है। तो फ्रेंड्स, डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस एक प्रकार का मच्छर है जिससे काटने से डेंगू हो जाता है। यह दिन के समय काटता है, यानी रात के समय यह मच्छर नहीं काटता है, तो आपको इसकी सावधानी दिन के समय रखनी है। तो अतः पूरा शरीर ढकने वाला कपड़ा पहने दिन के समय, अगर आप ऐसे कपड़े पहने जिससे पूरा शरीर कवर हो सके, और अगर दिन के समय आप सोते हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करें, पैरों में जुराब पहने और हाथों में भी किसी ग्लव्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो यह तो हो गए इसके किस कारण से होता है और इसका उपाय। अभी हम लक्षण की बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू हो गया। तो अचानक तेज सिरदर्द व तेज बुखार होना, डेंगू में अचानक से सिरदर्द होता है और तेज बुखार होती है। साथ ही अगर किसी के मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द हो तो भी डेंगू का लक्षण है। आंखों के पीछे दर्द हो रहा हो, जो आंखों को घुमाने से बढ़ता हो, जैसे आप आंखें इधर उधर करते हैं तो उससे यह दर्द बढ़ता है। जी मचलाता एवं उल्टी आना, जी भी बहुत मचलाता है डेंगू होने पे, और उल्टी आती भी है और उल्टी जैसी इच्छाएं होती हैं। त्वचा पर चकते उभरना, त्वचा पर चकते उभर जाते हैं, कईयों के बुखार नहीं आती लेकिन त्वचा पे चकते जैसे निशान हो जाते हैं। गंभीर मामलों में अगर किसी के गंभीर समस्या हो तो नाक में, मुंह में मसूड़ों से खून आ जाते हैं। अगर इनमें से ये छह लक्षण बताए, इनमें से किसी भी प्रकार का लक्षण अगर आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को भी हो तो समझ जाएं कि आप डेंगू के शिकार हो चुके हैं। अगर डेंगू हो गया तो क्या करना है, उससे बचाव के उपाय क्या करने हैं। तो कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान आदि प्रति सप्ताह खाली करें। अगर आपके घर में कोई भी जिनमें पानी इकट्ठा रहता है, जैसे कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के जो बर्तन जिन्हें पक्षियों में पानी, फ्रिज की ट्रे जिसे काफी लोग बदलते नहीं हैं, फूलदान आदि को रेगुलर यानी 6-7 दिन से आप उस पानी को चेंज करते रहें और उसे सुखा ले बर्तन को और फिर से पानी चेंज करें। घरों के दरवाजे व खिड़कियों में जाली व पर्दे लगाएं। अगर आपका घर खुला रहता है तो खिड़कियों में जाली पर्दे ये लगाएं। साथ ही नारियल का अगर कोई खोल हो, क्योंकि नारियल का पानी ज़्यादातर इस डेंगू में पीते हैं लोग, तो नारियल का खोल हो, टूटे हुए बर्तन हो, मच्छरों के टायरों में पानी जमा न होने दें। अगर कोई घर में टायर पड़े हैं, कोई भी ऐसे बर्तन जो अनवांटेड हैं, टूटे हुए हैं, उन्हें आप एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको वो भी ध्यान रखना है। साथ ही घर में मच्छरदानी का यूज करें और पूरे कपड़े पहने जो आपके शरीर को पूरे को कवर कर सके, जिससे वह मच्छर आपको नहीं काटे और डेंगू से आप बच सकें। यह तो इसके लक्षण हो गए कि इनसे आपको हो तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डेंगू नहीं हुआ तो ये उपाय आपको करने हैं। अगर डेंगू हो गया तो क्या करें, डेंगू होने पे, बुखार आने पे आपको कोई भी दवा मन से नहीं लेनी है, सीधा डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे उन्हें सही ट्रीटमेंट, सही इलाज दिया जा सके। इसमें डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, आप खुद दवा लेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान मिल सकता है, यानी काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, तो आप
अपने डॉक्टर से संपर्क कर ले, जो आपके नजदीकी डॉक्टर हो या फिर आपका कोई घरेलू डॉक्टर हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वह आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपके डेंगू है या फिर अदर किसी प्रकार की बुखार है और आपका सही ट्रीटमेंट होके आपका इलाज होगा। तो आशा करते हैं कि डेंगू के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यह डेंगू के लक्षण और बचाव के उपाय है वह आप अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर से करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।